मेरा नाम है श्रेया भट्ट और आज हमारा सेकेंड क्लास है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. सो आई होप आप सबने फर्स्ट लेक्चर अच्छे से पढ़ा है. दोज वर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर वेरियस एग्जाम्स में आए हैं बाय दिस सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी से. सो आज हमारे हम 10 क्वेश्चन और करने वाले हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे. एंड आपने देखा होगा मैं क्वेश्चन के साथ उसका बैकग्राउंड भी बताती हूँ. तो अगर आप क्वेश्चन तो आप प्रिपेयर कर ही रहे हो, अगर आपने बैकग्राउंड भी प्रिपेयर किया है तो वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस फंसने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी एडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिससे ये जो तीन वर्ड हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी प्रीएम्बल में ऐड किए गए थे. तो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो सबसे पहले तो हमें ये पता लग रहा है कि ये जो तीन वर्ड्स हैं ये ओरिजिनल प्रीएम्बल में नहीं थे, ये क्या किए गए हैं, ऐड किए गए हैं. तो ओरिजिनल प्रीएम्बल में अगर ये तीन वर्ड्स नहीं थे तो कौन से वर्ड्स थे? तो सबसे पहले प्रीएम्बल की अगर बात करें तो प्रीएम्बल में सोशलिस्ट वर्ड, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ठीक है, इन तीनों को ऐड किया गया था बाय ब्रिंगिंग एन अमेंडमेंट. कौन सा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था 1976 का. इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हमने बहुत सारे चेंजेस किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए इतने सारे हमने चेंजेस किए इस वजह से हम इस 42nd वाले को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. तो ये तीन वर्ड्स हमने ऐड किए. तो ओरिजिनल वर्ड्स कौन कौन से थे? आपने सुना होगा डेमोक्रेटिक. क्या वर्ड है? डेमोक्रेटिक. फिर क्या है? रिपब्लिक. और क्या है? डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, रिपब्लिक, ठीक है. तो ये सारे वर्ड्स हमारे क्या हैं? प्रीएम्बल में इंक्लूडेड हैं. तो इसका आंसर क्या हो गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो सबसे पहला बोला गया है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. क्या ये सही है? नहीं. अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए हम और प्रीएम्बल में तीन वर्ड्स हमने क्या किए? इंक्लूड किए. सो प्रीएम्बल तो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गया? गलत हो गया. दूसरा स्टेटमेंट है इट इंडिकेट्स द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड. हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि हमारे प्रीएम्बल, प्रीएम्बल मतलब आप ये समझ लो कि एक बुक, अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो उसकी समरी अगर हम लोग निकालें तो समरी को क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल बोलते हैं. तो समरी में क्या होता है कि क्या क्या हमें ऑब्जेक्टिव्स इस बुक को पढ़ के पता लगेंगे. सो प्रीएम्बल में भी क्या है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं. तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट. ये भी गलत है. अभी हमने देखा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने तीन वर्ड जो है वो ऐड किए. एक ही बार सिर्फ हमने प्रीएम्बल को अमेंड किया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला. लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है इट वॉज लेटर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1972 बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. इंक्लूड तो किया था हमने, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो किया, बट 1972 में नहीं बट 1976 में किया था. आई होप प्रीएम्बल समझ में आ गया है कि प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का. ये पार्ट सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि ये पार्ट है केशवानंद भारती केस में. कौन से केस में? केशवानंद भारती केस. केशवानंद भारती केस में बताया था कि प्रीएम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का. प्रीएम्बल में क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अचीव करना चाहता है. प्रीएम्बल को हम लोग अमेंड कर सकते हैं. और अमेंडमेंट कब हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू द प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. इस क्वेश्चन से हमें ये पता लग रहा है कि जो MPs हैं, सेंटर में क्या होते हैं? MPs होते हैं. और स्टेट में आपने सुना होगा क्या होते हैं? MLAs होते हैं. सेंटर में क्या है? MPs हैं. और स्टेट में क्या है? हमारे MLAs हैं, ठीक है. तो MPs को कोई ना कोई
कुछ प्रिविलेजेस मिलती हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट एक तरीके से हम बोल सकते हैं मिलता है, कुछ प्रिविलेजेस मिलती हैं। कौन सा आर्टिकल में बोला गया है? आर्टिकल 105 में बोला गया। वहीं अगर मैं पूछूं MLAs को कौन से आर्टिकल के तहत प्रिविलेजेस मिली हुई हैं, तो जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, आप 105 में 89 ऐड करोगे, कितना आएगा? दैट विल बी योर आर्टिकल फॉर MLAs। कितना आ जाएगा? 194। आर्टिकल 194 टॉक्स अबाउट द प्रिविलेजेस गिवन टू MLAs इन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन टू अ पर्सन? तो ये जो आपको स्टेटमेंट दिख रहा है, प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन टू अ पर्सन, ये एक फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है। ये एक फंडामेंटल राइट है। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है ये? ये लिखा है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में, आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन टू अ पर्सन। तो अरेस्ट तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप सिटीजन हो और आपको अरेस्ट कर लिया गया है, तो आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले आपको, आप ये पूछ सकते हो कि आप रीजन बताओ कि मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरा है, आप एक लॉयर को हायर कर सकते हो। और तीसरा है कि 24 घंटे के अंदर ही अंदर आपको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो अरेस्ट तो आपको समझ में आ गया। डिटेंशन मतलब क्या होता है? डिटेंशन मतलब होता है कि कोई भी क्राइम होने से पहले ही अगर जो कॉज है उसको रोक देना, उसको डिले करवा देना। डिटेन मतलब अगर हमने किसी को डिटेन कर लिया है, इसका मतलब ये है कि अब वो बंदा उस पर्टिकुलर क्राइम को कर नहीं सकता है। तो क्राइम होने से पहले ही रोक देना, दैट इज डिटेंशन। सो आर्टिकल 22 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन। आंसर क्या है इसका? आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 19 के ऑप्शन में दिया हुआ, आर्टिकल 19 मैंने आपको बताया था फ्रीडम है आपका, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 मैंने आपको बताया था कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो आप कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट जाओगे। सुप्रीम कोर्ट क्या इशू करेगा? रिट्स इशू करेगा, ये इंश्योर करने के लिए कि आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं हो रहा है। और आर्टिकल 18 क्या था मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which article says that election to the House of People and to the Legislative Assembly of every state shall be on the basis of adult suffrage? तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। इसका आंसर है आर्टिकल 326। अडल्ट सफरेज मतलब जो भी लोग 18 साल से ऊपर हैं उनको अधिकार है क्या वोट करने का। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये जो वोटिंग का अधिकार है 18 साल से ज्यादा वालों को मिला हुआ है, बट ये 18 साल नहीं था हमेशा से। पहले जो एज थी दैट वाज 21 इयर्स, बाद में इस एज को घटाकर कर दिया गया 18 इयर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 21 साल मेंशन था, बाद में 18 साल कर दिया गया। अब जब ये चेंज लाया गया तो कैसे आएगा चेंज? अमेंडमेंट के थ्रू आएगा। तो कौन सा अमेंडमेंट था जिसके थ्रू जो एज है वोटिंग की उसको 21 से 18 कर दिया गया? दैट वाज 61st Constitution Amendment। 61st Constitution Amendment से आपका जो एज है वोटिंग का वो 21 से क्या कर दिया गया? 18 years कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When was the drafting committee formed? अब आपको पता है drafting committee was one of the most important committees हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फॉर्म हुई थी। और drafting committee के हेड कौन थे आप सबको पता है? Respected B.R. अंबेडकर जी। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम बीआर अंबेडकर बीइंग द हेड, हाउ मेनी अदर मेंबर्स वर देयर? कि बीआर अंबेडकर तो थे ही थे, बाकी के कितने मेंबर्स थे? तो बाकी के वहां पे कितने आ जाएंगे? 6 मेंबर्स आ जाएंगे। बट अगर आपसे पूछता है टोटल कितने मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, तो टोटल थे 7। बीआर अंबेडकर को मिला के थे 7। तो अगर आपसे पूछे कब फॉर्म हुई है कमेटी, द कमेटी वॉज फॉर्म्ड ऑन 29 अगस्त 1947। ठीक है, एक क्वेश्चन और ज्यादा प्रेवलेंट रहता है कि 22 जुलाई 1949 को आपका नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ था। कौन सा? नेशनल फ्लैग जो है ट्राइकलर फ्लैग, वो अडॉप्ट हुआ था। और 20
24 जन 1950 को आपका नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम अडॉप्ट हुआ था। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम यहाँ लिख देती हूँ मैं, नेशनल एंथम अडॉप्ट हुआ था। तो बच्चे ये तो याद कर ले जाते हैं कि 24 जनवरी 1950 को सॉन्ग और एंथम अडॉप्ट हुआ था, बट यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, 22 जुलाई को क्या हुआ था, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय हू। अब देखो बेटा, आप सबको पता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इंडिया के पास सबसे पहले क्या होनी चाहिए, एक टेरिटरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक टेरिटरी होनी चाहिए। ठीक है, एक हमारा भारत, ये क्या है, इसकी टेरिटरी है। टेरिटरी के बाद इस इंडिया में रहने वाले क्या होने चाहिए, सिटीजन्स होने चाहिए। क्या है, सिटीजन्स होने चाहिए। इस इंडिया को एज अ कंट्री गवर्न करने के लिए क्या होनी चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। और गवर्नमेंट क्या करेगी, इन लोगों को फंडामेंटल राइट्स देगी, DPSP देगी और फंडामेंटल ड्यूटीज देगी। तो ये जो गवर्नमेंट में बोल रही हूँ, ये गवर्नमेंट कौन से पार्ट में है। अब आप देखते हो सरकार दो जगह एग्जिस्ट करती है, एक सरकार होती है सेंटर में, यूनियन गवर्नमेंट जैसे आप बोलते हो, और एक सरकार होती है स्टेट में, जिसे आप स्टेट गवर्नमेंट बोलते हो। तो जो सेंटर का पार्ट है, दैट पार्ट इज पार्ट फाइव। पार्ट फाइव जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट डील्स विद सेंटर। और पार्ट सिक्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट डील्स विद स्टेट। तो अगर मैं बात करूँ सुप्रीम कोर्ट की, अगर मैं बात कर रही हूँ सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट सेंटर का एक भाग है और वो किस में आएगा, पार्ट फाइव में आएगा। बट अगर मैं हाई कोर्ट की बात कर रही हूँ तो वो कौन से पार्ट में आएगा, पार्ट सिक्स में आएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय हू। सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज दोनों का ही अपॉइंटमेंट कौन करता है, हमारे रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट, क्या बोल रही हूँ, अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। मगर सब ऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट से नीचे वाला जो कोर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। कौन सा, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, एक मिनट, क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, उसको कौन अपॉइंट करता है, उसको अपॉइंट करता है गवर्नर। तो याद रखना ये डिफरेंस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के गवर्नर सॉरी हाई जजेस को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, और सब ऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर। अगर आपसे पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट दिलाएगा। और हाई कोर्ट के जज को शपथ या ओथ कौन दिलाएगा, यहाँ पे याद रखने वाली बात है, कौन दिलाएगा, गवर्नर ओथ दिलाएगा। तो ये डिफरेंस है कि दोनों को अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के जज को ओथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं और हाई कोर्ट के जज को ओथ कौन दिलाते हैं, गवर्नर दिलाते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 124 में है, आर्टिकल 124 में, और हाई कोर्ट जो है इसको जस्ट थोड़ा रिवर्स कर दो, 214 में है आपका हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज एडेड राइट टू एजुकेशन प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा है, राइट टू एजुकेशन कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये पहले नहीं था, पहले नहीं था तो ये ऐड किया गया। कौन से अमेंडमेंट से, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, इट वॉज एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 21A के तहत ये ऐड किया गया है। तो राइट टू एजुकेशन मेंशन तो कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको एनफोर्स करने के लिए सरकार क्या लेके आई, राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आई 2009 का। 2009 का राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आई, जो लागू कब से हुआ, 2010 से लागू हो। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। कि बच्चों को आप हजार्डस एक्टिविटीज में या फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय नहीं करोगे, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन है। तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है, आर्टिकल 23 और 24 इट डील्स विद
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किससे डील करता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। आर्टिकल 23 में दो बातें बोली गई हैं, एक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड कि दिस इज बैंड, और दूसरी है आपकी फोर्स्ड लेबर से रिलेटेड, बंधुआ मजदूरी से रिलेटेड, फोर्स्ड लेबर से रिलेटेड, ठीक है। आर्टिकल 24 बात करता है कि 14 साल से कम बच्चे जो हैं वो हजार्डस एक्टिविटीज़ में या फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, इनको माँ बाप फोकस करेंगे इनकी एजुकेशन के लिए, इनके वेलबींग के लिए, और इनको हजार्डस एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉय नहीं कर पाएंगे। तो इसका, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, आर्टिकल 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 ऑल अबाउट। 21st अमेंडमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 का किससे रिलेटेड है? तो सबसे पहले आपको एक बात जाननी है कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल हैं। अब शेड्यूल होता क्या है, देखो बेटा, एक होता है आपका आर्टिकल, ठीक है, सबसे पहले होता है पार्ट, ठीक है, फिर आता है आर्टिकल, और फिर क्या आता है आपका शेड्यूल। तो ये तीनों क्या होते हैं, इसको समझने के लिए मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बुक में आपने इंडेक्स देखा होगा, इंडेक्स में कैसे लिखा होता है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, तो दोज यूनिट्स आर द पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी तो एक बुक है, तो बुक में जो यूनिट्स हैं वो क्या हैं, एक तरीके से पार्ट्स। उन यूनिट्स के अंदर क्या होते हैं, चैप्टर्स होते हैं बहुत सारे, तो वो जो चैप्टर्स हैं वो क्या हो गए आपके, आर्टिकल। और फिर आपने बुक के पीछे देखा होगा एक ग्लॉसरी गिवन होती है, ठीक है, कि इस वर्ड का मतलब क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, उस ग्लॉसरी को आप समझ सकते हो वो क्या है आपका शेड्यूल। तो कितने पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, 25 पार्ट्स हैं, और शेड्यूल कितने हैं, 12 शेड्यूल्स। तो हमारा जो आठवां शेड्यूल है, आठवां शेड्यूल, इट डील्स विथ 22 इंडियन लैंग्वेजेस। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस मैंशनड हैं, 22 लैंग्वेजेस मैंशनड हैं। कितनी, 22 लैंग्वेजेस मैंशनड हैं, कौन से शेड्यूल में, आठवें शेड्यूल में। सो बाय 21st अमेंडमेंट 1967 आपका जो सिंधी भाषा है, सिंधी भाषा को एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंक्लूड किया गया था। मतलब ये पहले नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन में, बट 21st अमेंडमेंट से इसको हमने क्या किया, इंक्लूड किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओके, सो 21st अमेंडमेंट से हमने इसको इंक्लूड किया, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो, एंड प्लीज़ डू कीप वॉचिंग फॉर दीज अमेजिंग टॉपिक्स। आई होप आई विल कंटिन्यू विद हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज वेल। सो थैंक यू ऑल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।